हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबीन किचन। आप सबको हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक। आप देख सकते हैं कि आज की मेरी डिश रमज़ान स्पेशल शाही शीरकुर्मा है। रमज़ान में एंजॉय कीजिए, आप एक बार हमारी तरीके से बनाकर देखिए। रमज़ान में मेहमान आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे शाही शीरकुर्मा। इसके लिए मैंने लिया है 20 कटे हुए काजू, 5 से 6 खजूर बारीक कटे हुए, किशमिश, 20 कटे हुए बादाम, 6 से 7 अखरोट बारीक कटा हुआ, पिस्ता 20 बारीक कटा हुआ, इलायची पाउडर, मैंने दूध में ज़ाफ़रान घोल के रखा है 8 से 10 धागे, और ये चारोली के बीज, मिल्क मेड, घी, 100 ग्राम सेवैया लिया है। मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ाकर उसमें 1 लीटर दूध गर्म करने के लिए रखा है। ये जब तक दूध गर्म होता है मैं आपको मेवा तलने का बताऊंगी। मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच चीनी लिया है, ये ऑप्शनल है। इसमें मैं मिल्क मेड भी डाल रही हूँ, आप चाहे तो इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। मैंने गैस पर कढ़ाई रखा है, कढ़ाई गर्म हो गई है। अब इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। अभी हमारा घी मेल्ट हो गया है, अब इसमें मेवे डालकर तलेंगे। अब इसमें कटे हुए काजू डालेंगे, खजूर, कटा हुआ बादाम, कटा हुआ अखरोट, कटे हुए पिस्ता, चारोली के बीज और किशमिश। अब इन सबको फ्राई करेंगे। अभी दूध में उबाल आ गया है, जैसे ही इसका उबाल आएगा तो इसमें से हम मलाई हटाएंगे। इसकी मलाई पूरी तरह निकालेंगे। देखिए मैंने इस तरह इसकी मलाई निकाला है। मैंने गैस का फ्लेम मीडियम पे रखा है, और 1 मिनट तक भूनेंगे। ये देखिए किशमिश इस तरह फूलना चाहिए। अब 1 मिनट हो गया है, अब इसको निकालेंगे। इस तरह तलने के बाद इसको निकालेंगे। अब मैंने मेवे को, तले हुए मेवे को इस तरह निकाला है। अब ये बचे हुए घी में ही हम कढ़ाई में सेवैयां भूनेंगे। अब सेवैयां चाहे तो कम भी डाल सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध के लिए 100 ग्राम सेवैयाँ यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा दूध यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा सेवैयाँ डाल सकते हैं। सेवैयाँ को भी मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। अब 2 मिनट हो गए हैं, मैंने सेवैयाँ को भी भून लिया है, अब इसे निकालेंगे। इस तरह भुनना चाहिए, अब इसे निकालेंगे। देखिए इस तरह होना चाहिए। दूध में और उबाल आ गया है और थोड़ी मलाई जम गई इसमें, अब इसे भी निकालेंगे। अब ये दूध अच्छे से उबल गया है, अब इसमें तले हुए मेवे डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें सेवैयाँ ऐड करेंगे। अब इसमें सेवैयाँ डालेंगे, अब इसे भी मिलाएं। अब मैं इसमें 2 चम्मच मिल्क मेड डालूंगी। आप मिल्क मेड डालने के बाद आप चाहे तो इसमें चीनी ऐड भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। चाहे तो इसमें चीनी भी मिक्स कर सकते हैं, हम सिर्फ 2 से 3 चम्मच। मैंने इसमें 3 चम्मच मिल्क मेड डाला है, मैं इसमें 2 चम्मच चीनी डालूंगी, उतना ही। आप मीठा कम ज़्यादा खाते हैं उस हिसाब से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ मिल्क मेड डाल के भी बनाने से अच्छा बन जाता है, एकदम अच्छा रिच फ्लेवर आ जाता है इसमें, क्योंकि मैं शाही तरीके से बना रही हूँ। मैंने दूध में ज़ाफ़रान भिगाया था, वो भी डालेंगे इसमें। अब
अब से 3 से 4 मिनट तक अच्छे से उबालेंगे। उसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, इसे भी एक बार अच्छे से मिलाएं। अब इसे उबलने दें। अभी 3 से 4 मिनट हो गए हैं उबलते हुए। इसे हमारा शाही शीरकुर्मा बनकर तैयार है। अब मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। ऑप्शनल है, इस पर मैं थोड़ा चांदी का अर्क लगा रही हूँ। इस पर थोड़े गुलाब के पत्ते रखेंगे। मैं आपको और एक तरीके से सर्व करना बताती हूँ बच्चों के लिए। अब एक ग्लास लेंगे, उसे चॉकलेट सिरप से डेकोरेट करेंगे। और एक ग्लास लेंगे, उसमें स्ट्रॉबेरी सिरप डालकर इसको भी डेकोरेट करेंगे। अब मैंने दोनों ग्लास को डेकोरेट कर लिया है। अब इसमें ये शीरकुर्मा डालेंगे। अभी स्ट्रॉबेरी सिरप के ग्लास में भी शीरकुर्मा डालेंगे। इन दोनों ग्लास में गुलाब के पत्ते डालेंगे, ऊपर से थोड़ा मेवा डालेंगे। बच्चों को सर्व करने में आसानी भी होगी और बच्चे बहुत शौक से भी पियेंगे इसको। आप इसमें चाहे तो बच्चों को चॉकलेट भी डालकर दे सकते हैं, वैसे भी बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद आता है। मैंने इस तरह चॉकलेट बॉल्स लिया है, आप इसे ग्रेट कर इस तरह चॉकलेट भी डाल सकते हैं। बच्चे बहुत शौक से पीते हैं और रमज़ान में अपने बच्चों के फ्रेंड्स आएंगे तो सर्व करने के लिए भी अच्छा लगता है। हमारा शाही शीरकुर्मा बनकर तैयार है और चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी शीरकुर्मा भी बनकर तैयार है। आप भी इसी तरह रमज़ान में सर्व कीजिए, मेहमानों को भी देखने के लिए अच्छा लगेगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।